आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सरल सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी और मॉइस्ट जालीदार सूजी चॉकलेट केक, बिल्कुल बेकरी जैसा। और आज इसकी रेसिपी को मैंने इतना सिंपल और क्विक बना दिया है कि आप जब देखेंगे तो तुरंत बनाना चाहेंगे। ना मैदा, ना कोई बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर, ना मोल्ड, ना बटर, ना कंडेंस मिल्क, ना अंडा और ना ही कोई अवन। साथ ही मैं बताऊंगी बहुत ही जबरदस्त स्पेशल टिप्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार सूजी से केक बनाने के लिए आप लीजिए 1 कप सूजी। यहाँ मैंने सिंपल जो नॉर्मल सूजी होती है, सभी के घर में रहती है, बस मैंने वही ली है। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी टिप, हम सूजी को बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह से नहीं लेंगे, हम यहाँ एक क्विक ट्रिक लगाएंगे जिससे कि जब आप केक बनाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सूजी से बनी हुई है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप सिंपल लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार। यहाँ मेजरमेंट के लिए अपना घर का कोई भी चाय वाला कप या कटोरी सेट करें, पूरी केक का मेजरमेंट आप उसी अनुसार ले लीजिए। साथ ही में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ उसी कप का आधा कप चीनी, यानी जो आपने कप या कटोरी ली है उसी का आप आधा कप चीनी ले लें। चीनी यदि आप केक में ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं, कम लाइक करते हैं तो थोड़ा कम डाल लें। चीनी बिना पिसी हुई मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, सब कुछ यहीं पिस जाएगा तो आपको पाउडर शुगर का भी इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार सूजी और चीनी को ब्लेंड कर लेते हैं। और ये लीजिए, थोड़ा धीरे से खोलें क्योंकि एकदम से उड़ेगी सूजी वगैरह। ये देखिए, मैंने सूजी और चीनी का फाइन पाउडर तैयार कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी होता है, केक में बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पर 1/4 कप का अर्थ हो गया लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच। अब साथ ही में इसमें हम डालेंगे 1/2 कप फ्रेश दही, जो आपने कप लिया या बोल लिया उसी का आप 1/2 कप फ्रेश दही लें। यहाँ पर खट्टा दही बिल्कुल ना लें वरना आपका केक का स्वाद खराब हो जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध, यानी उसी कप का 1/2 कप आप दूध ले लीजिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर दूध है, ना ठंडा ना गर्म, सिंपल हमें लेना है क्योंकि हम बना रहे हैं सूजी चॉकलेट केक। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप कोको पाउडर। सभी चीजों का ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इन चीजों को बहुत इजीली ऑनलाइन या फिर किसी भी सुपर स्टोर से परचेज कर सकते हैं। कोको पाउडर 1/4 कप का अर्थ हो गया 3 से 4 बड़े चम्मच। एक बार और बढ़िया से 30 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, एकदम बढ़िया हमारा बैटर फटाफट बन करके तैयार है ब्लेंडर में, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का हमें अपना बैटर चाहिए कि जब आप इस तरह गिराएं तो वो इस तरह रिबन की तरह गिरे और नीचे जाके मर्ज हो जाए। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी गाढ़ा लगे तो थोड़ी सी दूध की मात्रा और बढ़ा करके कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें। और ये हम सूजी की केक बना रहे हैं, सूजी का नेचर होता है अब्सॉर्ब करने का, तो अभी हम अपने बैटर को रखेंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर, जिससे सूजी बढ़िया से फूल जाए, बैटर बढ़िया सेट हो जाए। आज इस सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी सूजी चॉकलेट केक को हम बनाएंगे घर के कुकर में, कोई अवन वगैरह किसी की जरूरत नहीं है, सिंपल सरल तरीका। और उसमें आप लगाइए इस तरीके का कोई स्टैंड, और स्टैंड ना भी हो सिंपल कोई कटोरी लीजिए, कटोरी को उल्टा करके रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ नमक बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें 1.5 कप नमक नीचे बिछा सकते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी बढ़िया आपकी केक बेक हो जाएगी। तो इस पर मैं लगा रही हूँ लिड, ध्यान रखिए लिड लगाते वक्त आप इसकी गैस्केट और विसल दोनों निकाल दें। मीडियम फ्लेम पर कुकर को हम करेंगे प्री हीट लगभग 6 से 7 मिनट के लिए। सूजी चॉकलेट केक को बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ केक टिन, इस तरीके का 6 इंच वाला ये मैंने केक टिन लिया है, सिंपल केक टिन हो वो ले लीजिए, नहीं भी हो आपके पास इस तरीके का स्टील का जो घर में जनरली बोल्स रहते हैं थोड़ा सा हैवी वाला वो हो तो वो भी ले सकते हैं, या किसी और शेप का हो तो आप चाहे वो भी ले लें। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे करेंगे ग्रीस, और इस पर अब हम लगाएंगे एक इस तरीके से पार्चमेंट पेपर, यानी बटर पेपर, बेकिंग पेपर जो होता है ना सिंपल वो वाला। और अगर आपके पास ये पेपर ना हो तो सिंपल जैसे अभी हमने ऑयल ग्रीस किया है ना, थोड़ा सा मैदा इस पर डस्ट कर दे, आपका बेकिंग के लिए टिन तैयार है। तो बस मैं इस पर लगा देती हूँ इस तरह से ये एक बटर पेपर, और बटर पेपर को भी हल्का सा ऑयल लगाकर कर देंगे ग्रीस। लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं, बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है।
ये देखिए, अगर इस स्टेज पर आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा दूध डाल करके उसकी कंसिस्टेंसी को आप एडजस्ट कर लें। अब फ्लेवर के लिए इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। बहुत ही इजीली आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसे डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप लाइक करें तो डालें, वरना इसके बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि कोको पाउडर डाला है तो चॉकलेटी फ्लेवर तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और अपने केक को फ्लफी स्पंजी बनाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट। कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई बेकिंग सोडा नहीं, सिंपल से इनो फ्रूट सॉल्ट से आप बहुत ही सुपर स्पंजी केक तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है 1 छोटा वाला जो 5 रुपए का सैशे आता है, बस वही वाला। तो ये लेमन वाला लिया है मैंने, आप ब्लू वाला रेगुलर भी यूज कर सकते हैं। और इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा डालिए ऊपर से 1 छोटी चम्मच दूध और जेंटली कीजिए मिक्स एक ही डायरेक्शन में। जैसे मैंने यहाँ पर इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है, आप चाहें तो 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। अब आप लीजिए केक टिन जो भी हमने ग्रीस करके तैयार करके रखा था ना, और केक के बैटर को आप इस तरह थोड़ा ऊंचाई से डालते हुए सब तरफ स्प्रेड करते हुए फैला दें। पूरा नहीं भरेंगे, सिर्फ 3/4 हमें टिन को फिल करना है, क्योंकि अभी केक फूलेगी भी ना। एक बार कीजिए टैप। अगर आप अपनी सूजी चॉकलेट केक को थोड़ा ऊपर से गार्निश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टूटी फ्रूटी भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी ऊपर से सजा सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन से इसको सजा सकते हैं। मैं इसको एक और नई ट्रिक से सजाऊंगी, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कुछ नहीं डाल रही हूँ। चलिए तो कुकर को भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, बहुत तेज हीट आ रही है। तो बस इस स्टेज पर आप धीरे से केक टिन को स्टैंड पर संभल कर रख दें, बिना गैस्केट और बिना विसल के आप बस इस तरह से इसके ऊपर लगा दीजिए लिड। फ्लेम को यहाँ हम कर देंगे लो मीडियम और लगभग 30 से 35 मिनट के लिए अपनी केक को इसी प्रकार बेक होने देंगे। टाइम यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करेगा आपका कुकर कितना हैवी है, आपकी गैस की फ्लेम पर। तो लगभग आप 20-22 मिनट बाद एक बार चेक कर लें कि प्रॉपर आपकी केक बेक हो रही है या नहीं। यदि आप इस केक को ओवन बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में लगभग 30 मिनट के लिए आप केक को बेक करें। लगभग 30 से 35 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अपने केक को चेक कर लेते हैं। धीरे से लिड को हटाएंगे। वाओ, ये देखिए, परफेक्ट हमारी फ्लफी सूजी चॉकलेट केक है बिल्कुल तैयार। मैंने बैटर को सिर्फ आधे से थोड़ा सा ज्यादा फिल किया था और आप देख सकते हैं अभी पूरा ऊपर तक भर गया है। एकदम बढ़िया केक हमारी मस्त फूली है। तो चलिए इस स्टेज पर आप एक नाइफ से या किसी पिक से चेक कर लीजिए। मेरा मन नहीं कर रहा इसमें होल करने का, इतनी प्यारी एकदम स्मूथ हमारी केक तैयार हुई है। जरा सा इस तरह डालकर देखिए, ये देखिए पिक हमारी क्लीन निकली है, यानी हमारी जो केक है परफेक्टली बेक हो गई है। अगर थोड़ा भी आपको गीलापन लगे, आप 5 मिनट लिड लगाकर और बेक कर लीजिए, आपकी सूजी की केक परफेक्ट तैयार हो जाएगी। और केक को मैंने बाहर निकाल लिया है, इस तरह से निकाल करके आप अभी इसको डीमोल्ड बिल्कुल ना करें। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए तो आप देखेंगे ये खुद ही रिलीज कर देगी टिन को, और फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। गर्म में निकालेंगे तो केक टूट जाएगा, तो हल्का सा पहले से ठंडा होने देते हैं। तो हमारी केक हो गई है हल्की सी ठंडी। तो बस इस स्टेज पर आप लीजिए एक नाइफ और इसकी एजेस को थोड़ा सा इस प्रकार सेपरेट कर लीजिए। तो बस अब इसको मैं पलट लेती हूं और ये लीजिए, सुपर। आप देख सकते हैं इसकी जाली, क्या स्पॉन्जी और जालीदार हमारी सूजी की केक तैयार हुई है इस आसान तरीके से। ये देखिए, मैं आपको पूरा इसका नीचे से टेक्सचर दिखा रही हूँ पास से, जिससे आप समझ पाए कि जो हमारी केक बनी है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, एकदम बेकरी जैसी मॉइस्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार तैयार हुई है। टेक्सचर से तो लग ही नहीं रहा कि ये सूजी की केक है, जब कोई खाएगा वो बता भी नहीं पाएगा कि ये सूजी से बनी है। इतनी बढ़िया और इतनी टेस्टी हमारी ये केक तैयार होती है, एकदम चॉकलेटी। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया स्मूथ और मॉइस्ट हमारी केक तैयार हो गई। और मैं अपनी सूजी चॉकलेट केक को और भी ज्यादा टेम्पटिंग और बहुत ही बढ़िया गार्निश करने वाली हूँ चोको स्प्रेड से। जनरली चॉकलेट स्प्रेड हम सभी के घर में रहता ही है, और इससे आप आसानी से बिना किसी व्हिप क्रीम वगैरह के इजिली सजा सकते हैं। तो मैं ये ले लेती हूँ, और अगर आपके पास चोको स्प्रेड हेजलनट वाला या एमंड वाला हो तो आप उससे भी सजा सकते हैं। सभी चीजों को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिजाइनर चोको स्प्रेड को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इस पर आप 1 से 2 बड़े चम्मच डालिए और धीरे धीरे आप बस चॉकलेट स्प्रेड को इसके ऊपर फैला दें किसी भी बटर वाले नाइफ या स्पून से। बहुत ही इजी तरीका केक को सजाने का।
तो मैंने ऊपर की सरफेस को चॉकलेट स्प्रेड से कवर कर दिया और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है, पता ही नहीं चल रहा कि आपने चॉकलेट स्प्रेड यूज किया है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़े से केक वाले गोल्डन बीट्स, थोड़ा सा हम इस तरीके से केक स्प्रिंकल या बीट से सजा देंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे तो व्हिप क्रीम से सजाइए या बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बना लीजिए या फिर किसी भी केक स्प्रिंकल वगैरह डाल करके वैसे भी सजाया जा सकता है। और ये लीजिए, मैंने अपनी चॉकलेट सूजी केक को बीट से पूरा सजा लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर दिख रही है, जितनी देखने में सुंदर खाने में उससे कहीं ज्यादा बढ़िया। और ये लीजिए, आप मेरे काटने से देख सकते हैं सुपर सॉफ्ट हमारी केक तैयार हुई है। और ये लीजिए, आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। तो अब सोचना कैसा, सारा सामान आपके पास किचन में है ही, जाइए बनाइए सबको खिलाइए। आप इसकी जाली देख सकते हैं, परफेक्ट, बिल्कुल बेकरी जैसी केक हमारी तैयार हुई है इतने आसान तरीके से, सुपर सॉफ्ट यमी मॉइस्ट। तो बस इस तरह से इस वैलेंटाइन आप भी जरूर बनाइए। मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये सूजी चॉकलेट केक की रेसिपी कैसी लगी और आपकी केक कैसे बनी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।